नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे को मेंटली रूप से या फिजिकली रूप से जो है पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं आपके बच्चे के ऊपर। अगर जितना जल्दी हो सके अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करती हैं अपने बच्चों के लिए, तो इनको जो है अलग हटा दीजिए, बच्चों के साथ में यूज़ में मत लाइए। तो चलिए जान लेते हैं वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो कि सभी के घर में अवेलेबल है, हर एक पर्सन के घर में है। मतलब एक घर में चार चार पाँच पाँच भी हो सकते हैं, एक दो, एक से दो से तीन भी हो सकते हैं। वो कि सभी आप समझ भी गए होंगे, वो है मोबाइल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, आप जितना हो सके मोबाइल फ़ोन को अपने बच्चे से दूर रखिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके बच्चे का जो सोचने की, खुद से सोचने की क्षमता जो होती है, खुद से करने की जो क्रिएटिविटी होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो आप जितना हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। सेकंड चीज़ आती है जो कि है प्लास्टिक की चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्लास्टिक की चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आप जो है प्लास्टिक की चीज़ों को अपने घर में भी हो सके तो उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। और आप अपने बच्चे के लिए अगर प्लास्टिक की बाउल्स वगैरह यूज़ करते हैं या बोतल वगैरह यूज़ करती हैं, तो इंश्योर कीजिए कि वह प्लास्टिक जो है BPA फ्री होनी चाहिए। अगर वह BPA फ्री नहीं है तो आप आज ही इसी वक्त उसको रिप्लेस कर दीजिए, उसकी जगह आप कुछ और यूज़ कीजिए। लेकिन अपने बच्चे को प्लास्टिक की चीज़ों में, इवन आप खुद भी प्लास्टिक की चीज़ों में मत खाइए और ना बच्चों को दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे की हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं प्लास्टिक में, जो कि आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी इजीली बीमार कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है जो कि है TV। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े 3 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं, जैसे कि उनको आप TV के सामने बिठा देते हैं, तो आप बच्चे को अगर स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो इवन इंश्योर कीजिए कि आपका बच्चा आधे से 1 घंटे से ज़्यादा TV ना देखे पूरे दिन में। मतलब कि ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को TV लगा दिया, खाना दे दिया, बच्चा आपका खाना खा रहा है TV देख के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पूरा दिन TV, नहीं। इससे बच्चे की आइज़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इवन उसकी हेल्थ में जो होता है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही जगह बैठे बैठे ही TV देखेगा, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेगा, जिससे कि उसकी हेल्थ पर भी असर दिखाई देगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं जो कि है मोबाइल और आपका प्लास्टिक और TV, इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कीजिए अपने बच्चों के साथ में। हम मानते हैं थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को, आप अपना समय दीजिए। आप मोबाइल की जगह बच्चों को जो है टॉयज़ वगैरह ला के दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा उसमें, आपको क्या करना है, ऐसे टॉयज़ चूज़ करने हैं जिसमें बच्चा काफ़ी देर उलझा रहे। आपको सिर्फ बच्चों के साथ में 2 से 3 दिन उन टॉयज़ के साथ में खेलना है, बैठ के 10 से 15 मिनट उनको बताना, इस तरीके से इसको अटैच कीजिए, इस तरीके से अटैच कीजिए। उसके बाद आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपका बच्चा खुद से ही उन चीज़ों को खेलने लगेगा। जैसे वो मोबाइल को देख के बिज़ी रहता है, ऐसे वो उन टॉयज़ के साथ में बिज़ी हो जाएगा। तो आप ये करके देखिए, आपके, आपको और आपके बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा सभी मम्मियों के साथ में, जिससे आगे उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।